मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा, जिस पर पूरी तरह से ज्योतिष आधारित है। जब आपकी कुंडली में सूर्य गड़बड़ हो जाता है, सूर्य कमजोर हो जाता है या खराब हो जाता है, तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और कम से कम जो फिजिकल मामला है, शरीर का मामला है, वो काफी बिगड़ जाता है। आज हम बात करेंगे सूर्य के अशुभ योगों के बारे में कि सूर्य कब अशुभ होता है और अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ है तो इसे बेहतर कैसे करें। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और सूर्य हमारी जिंदगी पर, हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। सूर्य अगर खराब हो जाए तो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पिता, सरकार यानी राज्य, सरकारी नौकरी, राजकीय सेवा, मान सम्मान और वैभव से इसका संबंध होता है। आपके शरीर में पाचन तंत्र, आपकी आंखें और आपकी हड्डियां ये सूर्य से ही संबंध रखती हैं। इसके मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि का वरदान मिलता है और अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो दरिद्रता का और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ता है। सूर्य से मुख्यतः तीन तरह के राजयोग बनते हैं जो व्यक्ति को अपार प्रतिष्ठा देते हैं और मुख्य रूप से तीन तरह के नकारात्मक योग बनते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के पहले अशुभ योग के बारे में। जब सूर्य कुंडली में नीच राशि का होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य तुला राशि में हो, यानी जहां 7 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य हो तो सूर्य काफी कमजोर हो जाता है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। ऐसा सूर्य होने पर स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं परेशान करती हैं। आंखों, हड्डियों और सरदर्द की काफी समस्या रहती है। कभी कभी पेट भी बुरी तरह से कमजोर हो जाता है। अगर ऐसा सूर्य है कुंडली में तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, साथ ही साथ रोज सवेरे सूर्य मंत्र का 108 बार जप करें, ओम आदित्याय नमः। इससे आपको लाभ होगा। अब जानते हैं सूर्य के दूसरे अशुभ योग के बारे में। सूर्य का दूसरा अशुभ योग है ग्रहण योग। सूर्य और राहु जब एक साथ हों कुंडली में तो ग्रहण योग बन जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो यह सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। सूर्य राहु का योग होने से व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या हो जाती है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक अनजाना सा डर और वहम उसे परेशान करता है और कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग भी हो जाता है। इस योग के होने पर नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर कुंडली में सूर्य राहु एक साथ हैं तो रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और नियमित रूप से राहु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें, लोहे के पलंग पर मत सोएं। अगर लकड़ी के पलंग पर सोएंगे तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं सूर्य के तीसरे और अशुभ योग के बारे में। ये बनता है सूर्य और शनि के संबंध से। सूर्य पर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है और सूर्य को सबसे ज्यादा जो ग्रह दूषित करता है वो होता है शनि। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध हो तो विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। इस योग के होने पर पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं और कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ जाती है। इसके कारण न्यूरो प्रॉब्लम होने की या स्नायु तंत्र की बीमारी होने की संभावना भी बन जाती है।
अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो इस योग के होने पर जल में जरा सा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इस योग के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखें तो इस योग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रखना शुरू कर दें।